होना का प्रयास, लेकिन अंपायर सजग सशक्त और चीते की तेज। पुनः बोनस का प्रयास 11 नंबर जर्सी के साथ ग्राम उड़ेना के खिलाड़ी। एक अच्छा मुकाबला लेकिन धीमी शुरुआत दोनों ही टीम के द्वारा। पुनः खाली हाथ लड़ते हुए टाइम आउट अंपायर द्वारा। कृपया अंपायर अपने निर्णय देंगे। आप रेडर यहाँ पर आउट, रेडर आउट, एक पॉइंट। इसी के साथ भानपुरी टीम को भी तो एक एक की बराबरी पर यह मुकाबला हुआ। भानपुरी वर्सेस उड़ेना। भानपुरी टीम पुनः रेड के लिए आए हैं। देखते हैं अपने टीम के लिए कितने अंक अर्जित करते हैं। 05 धमतरी जिले का विकेट नंबर। हल्के हल्के और अकेले ही टैकल करने का प्रयास। तो एक और पॉइंट भानपुरी टीम को। भानपुरी टीम धीरे धीरे फॉर्म में आते हुए। और ये कौन सा भानपुरी है ये तो पता नहीं, लेकिन भानपुरी है, संभवतः बालोद जिले वाले भानपुरी है, ऐसा हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे हैं। एक अच्छा मुकाबला उड़ेना वर्सेस भानपुरी के बीच। और जाते जाते एक और पॉइंट लेकर चले गए। तो दो पॉइंट रेड से ले गए ग्राम उड़ेना के खिलाड़ी। तो बढ़ता हुआ स्कोर 3-2 उड़ेना के पक्ष में। 2.5 मिनट का समय शेष इस मुकाबले में। अच्छी खेल भावना का परिचय देते हुए दोनों ही टीम के खिलाड़ी। और मैं सभी टीमों से आग्रह करूंगा कि आप खेल भावना का परिचय देंगे। एक और पॉइंट ग्राम उड़ेना की टीम को। भानपुरी की टीम अभी भी एक और पॉइंट रेड से ले गए हैं उड़ेना की टीम। तो बढ़त को धीरे धीरे आगे ले जाते हुए ग्राम उड़ेना की टीम। उड़ेना वर्सेस भानपुरी के बीच यह मुकाबला प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ। लगभग 2 मिनट का समय से। और एक बार फिर से टैकल कर लिए, काफी खतरनाक रूप से टैकल, डेंजर। और बहुत ज्यादा धुर्रा इधर उड़ा गया। अपर सुपर टैकल ऑन भानपुरी टीम के लिए। लेकिन एक पॉइंट पुनः अर्जित करती है उड़ेना। अगर इस खिलाड़ी को टैकल कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो भानपुरी की टीम ऑल आउट हो जाएगा। एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ। और सूर्य देवता भी देखते हैं इस मुकाबले को अपने तेज धूपों के साथ। और 3 पॉइंट अर्जित करते हुए उड़ेना टीम 1 मिनट से कुछ ही सेकेंड का समय से। तो बढ़ता हुआ स्कोर 10-2 उड़ेना के पक्ष में। उड़ेना टीम के खिलाड़ी जिन्होंने पहला रेड किया था 11 नंबर की जर्सी, एक बार फिर से रेड के लिए आए हैं। और एक और पॉइंट ले जाएंगे। तो बढ़ता हुआ स्कोर 11-2 1 मिनट से भी कम का समय शेष इस मुकाबले में। भानपुरी वर्सेस उड़ेना के बीच यह मुकाबला चलता हुआ। एक बार ऑल आउट कर चुके हैं भानपुरी की टीम को उड़ेना की टीम। बोनस का प्रयास, अंपायर की नजर, देखते हैं। लेकिन खाली हाथ लौटे रेडर अगली रेड के लिए गए हैं 7 नंबर की जर्सी में ग्राम उड़ेना के खिलाड़ी। लोकल वाले कोर्ट पर 6 खिलाड़ी मौजूद हैं। तो बोनस तो मिल सकता है 20 सेकंड का समय से मुकाबले में पहले हाफ समाप्त होने में। इसके बाद मैच होना है सौरा बांधा वर्सेस लिमोरा के बीच। तो दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान के पास अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। अंतिम रेड इस हाफ का। और अंतिम रेड लेकर आए हैं उड़ेना टीम के शानदार खिलाड़ी। और इस बार पुनः रेड अर्जित कर लेंगे। 4 रेड पॉइंट सुपर रेड ग्राम उड़ेना। और इसी के साथ सेकेंड हाफ का फर्स्ट रेड लेकर आए हैं ग्राम भानपुरी से जर्सी नंबर FT। और यहाँ पर जल्द से जल्द अंक अर्जित करना होगा भानपुरी टीम को।
अगर यह मुकाबले में बना रहना है तो आपको जल्द से जल्द पॉइंट अर्जित करना पड़ेगा। अभी भी 13 पॉइंट का लीड उड़ीना के पास, सुपर टैकल ऑन टीम भानपुरी के पास। अगर इस खिलाड़ी को टैकल करते हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे और यहाँ पर अच्छी टैकल, लेकिन क्या कहते हैं उसको, लटारा मारने के टाइप किया था, फिर भी उसको पकड़ लिए। एक अच्छी रेड, 2 पॉइंट अर्जित किए क्योंकि सुपर टैकल ऑन था भानपुरी के लिए। तो लीड को कम करते हुए भानपुरी की टीम को चाहिए कि जल्द से जल्द रेड और डिफेंस में अंक अर्जित करें और लीड को कम करें, इसके बाद लीड में बढ़त हासिल करें और इस मुकाबले को जीते। वहीं उड़ीना की टीम चाहेगा कि लीड को बरकरार रखे। सुपर टैकल ऑन अभी भी भानपुरी टीम के लिए और स्टार रेडर 11 नंबर जर्सी के साथ अभी भी समय, अभी भी 3 मिनट और 36 सेकंड शेष इस मुकाबले में और संभवतः आउट एक खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर जा चुके हैं जिसको फॉल कहते हैं और एक और खिलाड़ी को टच कर लिए, तो 2 पॉइंट अर्जित कर लिए हैं उड़ीना की टीम। और उड़ीना के पास पुनः भानपुरी टीम को इस मैच में दूसरी बार ऑल आउट करने का एक सुंदर मौका, अकेले ही पकड़ लिए यहाँ पर खिलाड़ी को, तो 3 पॉइंट पुनः अर्जित करते हैं उड़ीना की टीम। एक बार और ऑल आउट हो चुके हैं भानपुरी की टीम। तो बढ़ता हुआ स्कोर 20-4। सोलह अंकों का बढ़त और ये 17 अंकों की बढ़त हासिल कर चुके हैं उड़ीना की टीम। एक तरफा यहाँ पर चलता हुआ यह मुकाबला, एक पॉइंट यहाँ पर अर्जित किए भानपुरी की टीम। अभी भी 3 मिनट से थोड़ा कम का समय शेष, जल्द से जल्द वापसी करना चाहेगा भानपुरी की टीम और अकेले पकड़ने का प्रयास। एक और पॉइंट देते हुए उड़ीना की टीम को 22-5, 17 अंकों का लीड उड़ीना के पास। क्रॉस लाइन के बाहर से टैकल करने का प्रयास, निश्चित ही 2 पॉइंट गंवाते हुए उड़ीना की टीम। अभी भी यह मुकाबला कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि उड़ीना की टीम के पास काफी अच्छी बढ़त इस मुकाबले में। 2 मिनट का समय शेष, एक और पॉइंट अर्जित कर ली है उड़ीना की टीम। 23-7 से लीड करते हुए उड़ीना की टीम। अगर भानपुरी को यह मुकाबला जीतना है तो उसे सुपर रेड और सुपर टैकल करना पड़ेगा। एक रेड में आप 10 पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। कबड्डी के नियम में 7 खिलाड़ियों को बाहर करने का एक और 2 पॉइंट ऑल आउट का, और यहां पर अकेले ही पकड़ने का प्रयास, लेकिन अंत में छूट गए और 1 पॉइंट ग्राम भानपुरी की टीम को। अच्छा मुकाबला यहाँ पर और बहुत ही अच्छा टैकल। अगर इस तरह की आक्रामक शैली शुरू से ही दिखाते भानपुरी की टीम तो लीड को कम कर सकते थे। अभी भी लीड बरकरार ग्राम उड़ीना के पक्ष में। 1 मिनट से भी कम का समय शेष इस मुकाबले में और दावा ठोकते हुए हाई फाई के द्वारा 1 पॉइंट निश्चित ही अर्जित करेंगे भानपुरी की टीम। और 11 नंबर की जर्सी, एक बहुत ही धाकड़ खिलाड़ी जिन्हें अभी तक एक बार भी टैकल नहीं किए हैं भानपुरी की टीम, जिन्होंने सुपर रेड भी किया हुआ है इस मुकाबले में और पुनः दावा ठोकते हुए 1 पॉइंट के लिए। तो संभवतः यह भानपुरी टीम का अंतिम रेड इस मुकाबले में। देखते हैं कितने अंक अर्जित करते हैं भानपुरी के खिलाड़ी 5 नंबर जर्सी के साथ, और पूर्ण रूप से घूमकर वापस आ गए। कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट सुपर रेड, और ये संभवतः अंतिम रेड। समय समाप्त हो चुका है, मुझे लगा कि 5-4 सेकंड